अब खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद में इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए शहर भर में प्राइस कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक अशिया खुदनोश जायद रेट पर फरोख्त करने पर जुर्माना अदा किया गया। अब खबर शामिल करते हैं सांगर से, जहां सांगर में रात गए गश्त के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान आमने सामने के नतीजे में गोली लगने से एक बदनाम डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। सांगर में रात गए गश्त के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के नतीजे में गोली लगने से बदनाम डाकू रियाज कलहोड़ो जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पुलिस ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जबकि एक डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया है। जख्मी डाकू रियाज कलहोड़ो सांगर और चुटियारी थाने में कत्ल, डकैती और लूट मार के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। दूसरे डाकू की तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। अब खबर शामिल करते हैं थारू शाह से, जहां थारू शाह में बल्दी अमले की जानिब से तनख्वाहें और दीगर मरात ना देने के खिलाफ लाजमीन सरापा एहतजाज बन गया। थारू शाह में सफाई अमले टाउन ऑफिसर मोहम्मद अली ननवानी के खिलाफ टाउन कमेटी के सामने हाकिम शेख शकील और नदीम शेख की क्यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हमारी बढ़ी हुई तनख्वाहें, रहे हुए इंक्रीमेंट डिफरेंस हमें अभी तक नहीं दिए गए, जबकि कच्चे मुलाजमीन को भी निकाला जा रहा है, जिसकी भरपूर मजामत करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने डीसी नौशेरो फिरोज से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमें बजट में आई हुई इजाफी तनख्वाहें, बकाया जात, इंक्रीमेंट डिफरेंस दिए जाएँ और कच्चे मुलाजमीन को भी मुलाजमत से निकालने से रोका जाए।